प्रियंका शुक्ला का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं से पूरी हुई। प्रियंका शुक्ला का पिता बचपन से अपने बेटी को आईएएस अफसर बनाना चाहते थे। प्रियंका खुद भी आईएएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां बनी कि उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने के फैसला लिया। उसके बाद प्रियंका शुक्ला ने एमबीबीएस में चयन के लिए परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हो गई। उन्हें लखनऊ को केजीएम मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। यहीं से प्रियंका ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। पेशे से डॉक्टर रही इस महिला आईएएस अफसर को एक दिन किसी महिला ने ताना मारते हुए कहा था कि तू कहीं की कलेक्टर है क्या? बस फिर क्या था, यह बात आईएएस अफसर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का मन में ऐसी चुभ गई, आखिर उन्होंने आईएएस अफसर बन के ही दम लिया। आईएएस अफसर बन चुकी प्रियंका शुक्ला का जन्म हरिद्वार में हुआ और यहीं उनका पालन पोषण हुआ। प्रियंका के पिता की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी बड़ी होकर डीएम बने, लेकिन उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला लिया। प्रियंका ने एमबीबीएस की पढ़ाई की, जो अपने आप में काफ़ी मुश्किल होती है। एक्ट्रेस की परीक्षा अच्छे नंबर से पास करने के बाद उन्हें लखनऊ का केजीएम मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ और यहीं से उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। प्रियंका को सराहनीय प्रयासों के लिए अभी तक कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यही नहीं, प्रियंका को सेंसर 2011 के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से सेंसर सिल्वर मेडल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। संचारता के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए भी उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। प्रियंका अपने कामकाज के तरीके और प्रगतिशील सोच के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती है। आज की दौर की महिला के लिए प्रियंका शुक्ला एक बड़ी मिसाल है और वह निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। प्रियंका शुक्ला की गिनती बेहतरीन आईएएस अफसरों में होती है। वो कविताएं भी लिखती है और एक कंटेम्पररी डांसर भी है। इसके अलावा उन्हें गाने का प्रैक्टिस का भी शौक है। प्रियंका शुक्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।